बेना नगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था और सड़कों के संदर्भ में SDM AK शुक्ला की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बेरीनाग के लिए बनी पेयजल योजना भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली, जिस योजना के कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। एक पंप खराब हो गया है, जिससे नगर क्षेत्र में पानी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। विधायक फकीर राम टमटा ने पेयजल योजना में गड़बड़ी पर नाराजगी जताई और SDM से जांच करने की बात कही। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। पंचायत के चेयरमैन जो है 9 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे, उनकी मुख्य मांग थी कि यहाँ पर जो है पेयजल की बहुत भारी किल्लत है, समस्या है, उसको जो है दूर किया जाए। इसके संबंध में जो है आज यहाँ पर बैठक की गई और बैठक में ये समाधान हुआ है कि पेयजल निगम और जल संस्थान दोनों को फिटर मिल करके जो है सभी लाइनों को चेक करेंगे, जो चोक हो गई है, जहाँ साकेत जो है ख़राब है, जहाँ पानी की लीकेज है, उसको ठीक करेंगे और उसके बाद सुचारू रूप से जो है पानी की सप्लाई होगी। और साथ ही साथ जो पेयजल निगम की जो है पंपिंग योजना है, उसमें एक पंप पहले से ही ख़राब है और दूसरा पंप भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। उसके संबंध में हमने कहा है कि पेयजल निगम एक हमें रिपोर्ट देगा और हम जिलाधिकारी महोदय से रिकमेंड करेंगे कि इसमें जो है उच्च स्तरीय जाँच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। इसी विषय पर आज बेरीनाग में जो SDM साहब के साथ, जो बेरीनाग के निवासी के साथ बैठक हुई है और कई कुछ बातें उसमें निकल के आई हैं। कुछ लाइनों में गड़बड़ी है, पंप खराब है, इसके लिए हम जिला अधिकारी महोदय को पत्र लिखेंगे और इसकी उच्च स्तरीय जांच करेंगे और कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा।